सोचिए, अगर आज भी पहले की तरह बड़े कीड़े या इंसेक्ट्स होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या इंसानी जिंदगी वैसी ही होती जैसी अब है? आइए इस रोमांचक विचार को एक्सप्लोर करते हैं। आज से करीब 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कार्बोनिफेरस पीरियड में बड़े बड़े इंसेक्ट्स हुआ करते थे। ये जायंट इंसेक्ट्स इतने बड़े थे कि कुछ तो हमारे आज के जानवरों से भी बड़े होते थे। मेगान्यूरा नाम का एक ड्रैगन फ्लाई था जो 70 सेंटीमीटर तक लंबा होता था। तब का ऑक्सीजन लेवल आज से काफी ज्यादा लगभग 35% था, जो इन साल इंसेक्ट्स को जीवित रखता था। अगर आज के समय में भी ऐसे बड़े इंसेक्ट्स होते तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती? सोचिए, अगर 1 मीटर लंबा मच्छर या 2 मीटर लंबा कॉकरोच होते तो क्या होता? आज का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 21% है, इसलिए बड़े इंसेक्ट्स का जीवित रहना मुश्किल होता। लेकिन अगर किसी तरह इनका एवोल्यूशन हो जाता तो दुनिया कैसे बदल जाती? बड़े इंसेक्ट्स होने से हमारी जिंदगी काफी प्रभावित होती। इन इंसेक्ट्स के कारण घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता, एग्रीकल्चर भी मुश्किल होती, क्योंकि ये बड़े कीड़े फसलों को खराब कर सकते थे। लोग अपने घर और खेतों को इनसे बचाने के लिए नए तरीके सोचते। बड़े इंसेक्ट्स होने से प्राकृतिक संतुलन भी बदल जाता। आज के जानवर और पक्षी इन बड़े कीड़ों से लड़ते या शिकार बनते। यदि बड़े इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती तो ये एक नया इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता। जानवरों के बिहेवियर और हंटिंग पैटर्न्स भी बदल जाते। मानव समाज और टेक्नोलॉजी भी इन बड़े इंसेक्ट्स से निपटने के तरीके ढूंढ लेता। शायद हम नए तरीके की बिल्डिंग्स बनाते, नए इंसेक्ट्स रेपेलेंट्स का विकास करते और अपनी जिंदगी को इनसे बचाने के लिए नए इनोवेशंस करते। मानव सर्वाइवल स्किल्स को और मजबूत करता और नए नए इन्वेंशंस करता। सोचिए, अगर आज भी पहले की तरह बड़े कीड़े या इंसेक्ट्स होते तो दुनिया कितनी रोचक और अलग होती। ये सोच हमारी इमेजिनेशन को उड़ान देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पृथ्वी कितनी विचित्र और रोमांचक जगह है। इतिहास से प्रेरणा लेते हुए हम अपनी कल्पनाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपके विचार नीचे कॉमेंट्स में लिखना ना भूलें।